चलती हूँ, आने के लेट हो रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों? अरे जीजू आए हुए हैं ना। यार एक फोन पे क्या कम मस्खरी करता है क्या, जो आज तेरे घर पे भी आ धमका है। चलो मैं चलती हूँ, वेट कर रहे होंगे ना जीजू। जीजू जीजू, तेरे जीजू को ना मैं शिकंजी में डाल के पीजू। निखिल जीजू है मेरे। यही तो दिक्कत है कि जीजू है तेरे। यार जीजू नवा के साला मदारी हो गया कि मदारी डुग डुगी बजाए नहीं, कि साली साइबर नाम की बंदरिया है वो कमर मटकाते हुए जीजू जीजू रटते हुए निकल पड़ती है। स्वीट मत बोले उस शख्स को, मैं कह रहा हूँ ये जीजू जीजू प्यार से मत बोला, मेरे रोम रोम में आग लग जाती है। जीजू आए और साली जाए भी नहीं, ये कोई बात है क्या? अरे तो ये जीजू नाम का पैरासाइट हर महीने क्या करने आता है तेरे घर? अरे भाई ससुराल है उनका, ससुराल की खातिरदारी पे तो बनता है ना। तो सारी खातिरदारी तुम ही दोगी उसे? नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हेलो, हाँ जीजू आ रही है। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं, बस आ रही हूँ। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, मतलब मैं इतना फालतू हो गया? अरे क्यों भेटी ले रहे हो यार निखिल, लगता तुम्हें सुना नहीं है साली आधी घरवाली होती है। चलो मैं चलती हूँ। साली आधी घरवाली होती ना तो फिर ठीक है, भाभी की छोटी बहन भी कहने कहीं हाफ गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है। तू देख बेटा मेरे मामा के लड़के की शादी है अगले महीने। लेकिन वो तो अभी 21-22 साल का है। तो क्या, तो रुक जाते अभी 5-7 साल फिर कर देते शादी। मेरी किस्मत फूटी थी, नहीं तो हमारे यहाँ 29-30 साल के लड़के से कोई शादी नहीं करता। कहने का क्या मतलब, तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मेरी शादी नहीं होती? नहीं होती वो तो पता नहीं मैंने कैसे हाँ बोल दिया था शादी के लिए। हाँ कैसे नहीं बोलती तुम, मुझसे कभी किसी ने कहा था तुमको नरक मिलेगा? मिल गया। क्या हुआ, आज सुबह से तुम बोले नहीं हो मुझसे? मैं हमारे देश भारत की तरह हूँ, जंग की शुरुआत कभी नहीं करता। तो मत करो ना, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे जबरदस्ती बात करो। जाओ तू, काम करो अपना चुपचाप, और तुम यहीं खड़े खड़े आराम फरमाओ, है ना? अब तुम क्यों बोल रही हो मुझसे, जब मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ पहले से? क्योंकि मैं हमारे पड़ोसी देश चीन की तरह हूँ, शांत नहीं बैठ सकती।